नमस्कार दोस्तों, आजकल ऐसा देखने में आ रहा है, कई तरह की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि मेरा व्हाट्सअप हैक हो गया है। दरअसल व्हाट्सअप किसी का हैक नहीं होता। व्हाट्सअप को अगर कोई दूसरा व्यक्ति अपने मोबाइल में इनेबल करता है तो उसके लिए केवल एक ही कंडीशन होती है कि वो आपसे किसी भी तरीके से आपका OTP प्राप्त करे। OTP प्राप्त करने का तरीका अलग अलग तरीके से हो सकता है। हो सकता है कि वो आपके मोबाइल से OTP ले ले, बाद में मैसेज डिलीट करने के बाद वापस आपका मोबाइल कर दे। हो सकता है कि आपके मोबाइल में कई तरह के स्क्रीन शेयरिंग ऐप आते हैं, जैसे कि एनीडेस्क है, टीमवीवर है, इस तरह के ऐप आते हैं। अगर इन ऐप के माध्यम से वो आपसे OTP लेता है तो भी व्हाट्सअप वो इनेबल कर सकता है आपके मोबाइल में। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि व्हाट्सअप को सेव कैसे किया जा सकता है। व्हाट्सअप को सेव करने के लिए केवल एक ही तरीका है, 2-स्टेप वेरिफिकेशन। 2-स्टेप वेरिफिकेशन करने के लिए हम आपको बताएंगे कि व्हाट्सअप में 2-स्टेप वेरिफिकेशन किस तरीके से इनेबल किया जाता है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, इस तरीके से यह मालूम पड़ता है कि अगर कोई व्यक्ति आपसे OTP प्राप्त भी कर लेता है तब भी वो अपने मोबाइल में व्हाट्सएप को इनेबल नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जो 2-स्टेप वेरिफिकेशन होता है उसमें जो कोड डाला जाता है जो आपके द्वारा, वो कोड जब तक उसे प्राप्त नहीं होगा तब तक वो व्हाट्सएप को इनेबल नहीं कर पाएगा।